बिहार के रोहतास में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रियंका गांधी के उस बयान की निंदा की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कायर शब्द का उपयोग किया गया है। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सासाराम में कहा कि बार बार कांग्रेस तथा उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करती रही है, यह उस पार्टी के संस्कार को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जितना अधिक वे लोग प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करेंगे, देश के गरीब पिछड़े वर्ग के लोग उतने अधिक अपमानित महसूस करेंगे। आज जबकि देश में हर वर्ग के लिए विकास की गंगा बह रही है, दुनिया में भारत की साख बढ़ती जा रही है, ऐसे में न्यायालय द्वारा दंडित करने के बावजूद कांग्रेस के नेता सुधार नहीं रहे हैं तथा बौखलाहट में प्रधानमंत्री के लिए अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो निंदनीय है। बता दें कि 2 अप्रैल को देश के गृह मंत्री अमित शाह सासाराम आ रहे हैं। वे सम्राट अशोक की जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भाजपा नेता नित्यानंद राय लगातार सासाराम के दौरे पर हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के विरोध में संकल्प सत्याग्रह के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कायर शब्द का इस्तेमाल करते हुए बयान दिया था। बोलते हैं कि कायर है देश के प्रधानमंत्री। देखिए, कांग्रेस बौखलाहट में, कभी राहुल जी, कभी उनके अन्य नेता, कभी आप भी, आप बता रहे हैं प्रियंका जी के विषय में कि प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द का प्रयोग की है, वह उनके संस्कार को झलकाता है। और जब इस देश के गांव गांव में, शहर शहर में, हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए जब विकास की गंगा बह रही है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की साख दुनिया में बढ़ी है, और इस प्रकार से जब एक गरीब का बेटा भारत के प्रधानमंत्री के पद पे आसीन है तो इन लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होता है। जितना ये लोग अपमान का शब्द बोलते हैं, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग के लोग अपमानित महसूस खुद को करते हैं, और कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो अपशब्द प्रधानमंत्री जी के लिए बार बार, एक बार नहीं अनेकों बार प्रयोग किया गया है, यह निंदनीय है, शर्मिंदा की बात है। कांग्रेस और उनके नेताओं को माफी मांगनी चाहिए।